प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का उड़न खटोला इस वक्त जेआईसी मैदान पर उतरने के लिए तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जो उड़न खटोला है क्या किस तरह से गड़गड़ाहट इसकी जो है उतरने के लिए यहां पर जेआईसी के मैदान पर तैयार हो गया है। और आप देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम का उड़न खटोला आ गया है, पूरा जेआईसी मैदान जो है वो धूल के गुबार में उड़ने लगा है। धूल, भयंकर धूल के बीच जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का काफिला उतर रहा है। धीमे धीमे इसके जो है पंख जो है उड़ रहे हैं और ये आप देख रहे होंगे आई इंडिया के स्क्रीन पर लाइव बिल्कुल कि किस तरह से ये हेलीकॉप्टर जो है यानी कि उड़न खटोला धीमे 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 जेआईसी के मैदान ग्राउंड पर जो है यहाँ पर उतर रहा है। ये इसके टायर जो है जमीन को छू रहे हैं और जमीन को छूने के बाद यहाँ पर जो है ये अब हेलीकॉप्टर उतर गया है। तो जेआईसी के ग्राउंड पर ब्रजेश पाठक का जो है उड़न खटोला यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतर गया है और यहाँ पर पूरी फोर्स तैनात है। सभी भाजपा के तमाम मंत्री, सांसद, विधायक, मैं, पुलिस फोर्स, एसपी और समेत जो है सभी डीएम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कि अब यहाँ से आपको बता दें कि उड़न खटोला जैसे ही इनका उतरता है यहाँ के बाद जो इनका तय कार्यक्रम है वो पहले ब्रजेश पाठक जो हैं वो सीधे जाएंगे जिला अस्पताल, वहाँ पर उसके बाद लालबाग पार्क पे जो है आतंक चौक का उद्घाटन करेंगे। आप देख रहे हैं इंडिया के स्क्रीन पर किस तरह से सलामी लेने के लिए उनकी तैयारियां तुरंत हो गई क्योंकि मैदान पर जो हेलीकॉप्टर उतर गया है यहाँ पर डीएम और एसपी जो है जा रहे हैं उनको रिसीव करने। और आपको फिर से एक बार हेलीकॉप्टर दिखा दें कि हेलीकॉप्टर का पायलट जो है को पायलट वो वहाँ पर उतर गए हैं। उतरने के बाद जिस तरह से पंखे की हेलीकॉप्टर के पंखों की रफ्तार है वो रफ्तार धीमे धीमे हो रही है और जैसे ही ये पंखे की रफ्तार धीमे होती है वैसे ही इस उड़न खटोला से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पे उतरेंगे। उतरने के बाद आपको बता दें उनको रिसीव करने के लिए खुद जिलाधिकारी अनु सिंह, एसपी चक्रेश मिश्र, कमांडो अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार वहाँ पे मौजूद हो गए हैं। सीएमओ डॉक्टर हरपाल वो भी जो है बुके लेके वहाँ जा रहे हैं, तो साथ में इनके बुके लेके जा रहे हैं जिससे इनको रिसीव करना है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के और डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार के जो हैं उत्तर प्रदेश से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वो बस कुछ ही पल में यहाँ पे उतरने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि उन खटोले की रफ्तार जो है धीमे हो गई है, इंजन जो है कहें कि बंद हो गया है और उन खटोला जेआईसी के मैदान पर उतर गया है। यहाँ से उतरने के बाद आपको दिखा दें कि उनके इंतज़ार में जो है सभी लोग यहाँ पर लाइन से जो है लाइन लगा के खड़े हो गए उनके स्वागत के लिए, जिसमें एमएलसी हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला हैं, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही हैं और राज्य मंत्री राकेश अठो गुरु हैं। आपको दिखा दें कि गेट खुल रहा है और ये गेट जिस तरह से खुला उनका उनके पीए यानी कि ये देखिए डिप्टी सीएम खुद वाइट सदरी यानी कि क्रीम कलर की सदरी में चश्मा लगा के उतर रहे हैं और उतर गए हैं। उतरने के बाद एसपी और जिलाधिकारी सीतापुर के हैं, सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह यहाँ पे मौजूद हो गया, सलामी देते हैं और जय हिंद बोल करके उनको रिसीव करते हैं, उनसे बात करते हैं, वहीं बुके देकर जो है उनका स्वागत करते हैं। एसपी चक्रेश मिश्र ने सलामी दी तो उन्होंने अभिवादन करके इसको स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद अब साथ में जो है घड़ी देखते हुए ब्रजेश पाठक सीधे वापस आ रहे हैं। आने के बाद ये रेड कारपेट उनकी बिछाई गई है, इस रेड कारपेट पर सीधे आ रहे हैं। आप इंडिया की स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं कि किस तरह से जो है उनका हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर उतरने के बाद जो है डिप्टी सीएम अब रेड कारपेट पर चलने के लिए तैयार हो गए हैं। रेड कारपेट पर चलने के लिए ये गार्ड ऑफ जो उनके सलामी देने के लिए जो है यहाँ पर मार्च पास के लिए पहुँच गए हैं, कुछ बातचीत भी कर रहे थे और इसी बातचीत के दौरान जो है साथ में मिश्री के विधायक जो है रामकृष्ण भार्गव भी सलामी लेने के लिए देखिए यहाँ पर रेड पर खड़े हो गए हैं, खड़े बस सलामी ले रहे हैं। आप सुन सकते हैं सलामी किस तरह से ली जा रही है। आप देख रहे हैं जिस तरह से जो पहले प्रक्रिया होती है मुख्यमंत्री जो भी उच्चाधिकारी आते हैं नेता आते हैं शासन की सरकार के वो सलामी लेते हैं। मार्च पर सलामी लेने के बाद जेआईसी ग्राउंड पर उनका सलामी कार्यक्रम होता है और अब इन्होंने जो है सलामी ले ली है, स्वीकार किया है सलामी को और पूरी तरीके से जहाँ से जो है ये अपना जिला अस्पताल जो तय कार्यक्रम है वहाँ कार्यक्रम में जाएंगे। ये देख सकते बिल्कुल सलामी ली, आवेदन स्वीकार किया। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से देखिए सबसे पहले जो है राजेश शुक्ला भाजपा जिला अध्यक्ष ने उन्हें बुके देकर उनका स्वागत किया, उसके बाद राजेश शुक्ला ने उन्हें जो है अंगवस्त्र भी पहनाया, रामकृष्ण भार्गव जो मिश्र के विधायक उन्होंने भी अंगवस्त्र पहनाया है, सुरेश कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही और मनीष रावत जो विधायक हैं सिधौली के उन्होंने पैरछू के आशीर्वाद लिया, वहीं राज्य मंत्री राकेश अठो गुरु ने भी जो उनका पैरछू के आशीर्वाद लिया और उनका स्वागत किया। फिलहाल सांसद राजेश वर्मा ने भी उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया, वहीं बिस्मा के विधायक निर्मल वर्मा भी मौजूद हैं उन्होंने भी स्वागत किया है और
आपको बता दें कि किस तरह से जो है तमाम सभी लोग जो है पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के अच्छी मित्र, उन्होंने भी पैशु के जो उनका स्वागत किया, पुष्पगुच्छ दिए हैं। वहीं खैराबाद नगर पालिका के जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं अभिषेक गुप्ता और बबलू, उन्होंने भी स्वागत किया पुष्पगुच्छ देकर के। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर गुप्ता, उन्होंने भी जो है पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। तमाम सभी लोग यहाँ पर जो भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग एक एक करके उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के बाद जो भाजपा के युवा मोर्चा के हैं सचिन, उन्होंने भी मुलाकात की और सभी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। जो भगवा कलर में गमछड़ा ले हैं मोनू खेतान, उन्होंने भी जो है ब्रजेश पाठक के उनका स्वागत किया है। वहीं दिखा दें आपको कि CDRB के जो चेयरमैन हैं सचिन, समझ जाते हैं DCRB के जो रोहित हैं, उन्होंने भी जो है स्वागत किया। सभी तमाम लोग यहाँ पर जो है नेता लोग स्वागत कर रहे हैं। भाजपा के सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव भी मौजूद हैं, सिदौली विधायक मनीष रावत भी मौजूद हैं, भाजपा के कार्यकर्ता वो भी मौजूद हैं। सभी लोग पुष्पगुच्छ देकर के उनको जो है उनका स्वागत कर रहे हैं और यहाँ से जो है कार में अभी सवार होकर सीधे जो इनका तय कार्यक्रम, आपको बता दें कि यहाँ से तय कार्यक्रम के तहत जो है सीधे ये जिला अस्पताल जाएंगे और जिला अस्पताल के बाद जो लालबाग पार्क है जिसपे आज अटल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत के रहे हैं उनकी प्रतिमा का जो है लोकार्पण करेंगे, वो लालबाग चौराहे पर लग गई है और आज से ही जो है लालबाग चौराहे को अटल चौक के नाम से जाना जाएगा। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा, सिद्धांत पांडे के साथ निशांत गुप्ता, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।